आज की क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स क्या होता है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम जब भी रिपोर्ट्स बनाते हैं सर, तो रिपोर्ट में फॉर्मेट का अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है सर, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो आपको रिपोर्ट ठीक ठाक दिखेगी, अगर आपने फॉर्मेटिंग ठीक तरीके से नहीं किया तो आपका रिपोर्ट और आपकी सही तरीके से विजुलाइजेशन नहीं होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के ऊपर। चलिए, जैसे कि एमएस वर्ड खुला हुआ आपका, वर्ड में यहाँ पे मैं अगर टेंथ लिख के स्पेस मारा तो देखिए टीएच ऊपर चला गया। ऐसे मैं अगर एनडी करूं तो स्पेस देख मारते ही ऊपर चला जा रहा है। और ऐसे यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं आरडी करूं तो ये आपका आरडी भी ऊपर चला जाता, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये ऊपर चला जाए, मैं आरडी करूं तो ये ऊपर चला जाए, इसके लिए हमें इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ हम यहाँ पे फॉन्ट के आगे क्लिक करते हैं और इसको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर, हो गया। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां आते हैं, वापस क्लिक करते हैं तो ऊपर चला जाता है। 10 डिग्री लिखना है तो 10 और छोटा ओ लिखेंगे और फिर छोटे ओ को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ये रहा हमारा सुपर स्क्रिप्ट, राइट। ऐसे 102 में स्क्वायर करना तो 102 लिखा, तो सिलेक्ट किया, ऊपर स्किप कर। देखिए जैसे एंटर मारेंगे 102 हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्किप और सब स्किप जो फॉर्मूला है वो हमेशा काम करता है कहां, टेक्स्ट। आपको सिंगल कोड लगाना है फिर 102 लिखना है तो टेक्स्ट बन गया। अब इसके ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट लगा सकता हूं। ऐसे यहां पे मान लीजिए O है, उसको नीचे करना है तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं सब स्क्रिप्ट होगा, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए और सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए होता है। यहां से हम सब स्क्रिप्ट लेंगे, नीचे आ जाएगा। अब एक चीज और आता है स्टिक थ्रू, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे चीजें राइट करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड हमने ये ए मैसी को कर लिया, और हमने पेस्ट कर लिया, मान लीजिए कोई वर्ड हमारा गलत है तो उसके लिए उस वर्ड को मैं सेलेक्ट करूंगा
राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ पे स्टिक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा, तो स्टिक थ्रू कर देगा। ये कटा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये तो थोड़ा स्टिक थ्रू था, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड लिखे हो, नंबर्स लिखे हो, अब नंबर्स स्टिक थ्रू करेंगे तो उतना ज्यादा इफेक्टेबल नहीं हो, तो हमें बताना है कि भाई ये नंबर गलत है। दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है जिस प्रिंट आउट अगर चाहते हैं आप, तो पहला तरीका है कि आप इस पे जाएं और इसके बॉर्डर वाले सेक्शन पे आ जाए, ठीक है। और यहां से मैं रेड को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको किया एंड ओके कर दिया, हो गया। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, सही का निशान सही है, इसके लिए करना है तो वापस आप बॉर्डर पे चले जाएं और यहां से मैं ग्रीन कलर लेता हूं, तो ले लिया और इसको ले लिया एंड ओके कर दिया। ग्रीन कलर सर, अब इसमें मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अभी इसकी इसको जस्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी जो है आप की मदद से आप सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं, इसके बिहाफ पे आप कोई कंडीशंस या फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं लगा सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट सर। सर तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे कैप्स में पी को लिखेंगे, ठीक है सर। सर और इसके ऊपर जो है हम यहां एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू का, वो अप्लाई कर आपका इस तरह का सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक सर हो गया। कॉस के लिए आप कैप्स में ओ लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप फिल्टर कंडीशन सब इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर और कंडीशन सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चुंकेदार ये नहीं रहेंगे, नहीं है मंदिर। हाँ हाँ चाचा जाएगा मेरा वहाँ, मैंने सुन जाएगा तो कौन जाएगा?
Yes, sir. क्या है कि सर ये जो आपको दिख रहा है P और O लिखा हुआ इसको कन्वर्ट करता है बाइंडिंग टू, ये आपका विंडो का पार्ट। ऐसा हो सकता है कि आपके पास इससे रिलेटेड फॉन्ट किसी सिस्टम पे ना हो, ठीक है? उस केस में क्या करेंगे हम? तो इसमें एक तरीका और भी है कि हम कैप्स में जे को लिखें और इसके ऊपर में ब्रिटैनिक बोल्ड करके एक आता है ऑप्शन अलाइनमेंट में, मैं इसको यहां अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहां जो आता ना इसको हम चेंज कर देते एंगल -45 डिग्री, तो आपको इस तरह का दिखेगा। और क्रॉस के लिए एच है। देखिए इसका यही यूज नहीं है, इसका और भी यूज है। चलिए एक और ही बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम में मैं पूजा वगैरह नाम दे देता हूँ और यहाँ पे हम डेट दे देते हैं और डेट को हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, फिर यहां पे हम पी से प्रेजेंट में पी लिख देते हैं। राइट। अब क्या है कि इसको हम एक पेज पे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। अब मैं प्रिंट करता हूं तो यहां पे जैसे मान लो मैं इसकी पोर्ट्रेट के लैंडस्केप कर दिया या नॉर्मल मार्जिन में मैं यहाँ पे नैरो कर दिया, फिर भी आप देखिए 14 तारीख तक ही आता है। तो मैंने हमने देखा कि हमारा हेडिंग बड़ा है, सही है। पूरे डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आएंगे या फिर यहां से ही हम अपनी ये रोटेट टेक्स्ट अप दिख रहा होगा इस पे क्लिक कर दे। अब फिर मैं पूरे सीट को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करके मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो एक क्या कर देगा, छोटा कर दिया, प्रिंट हो जाएगा सर। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि मैं यहां पे सुजीत और कुमार लिखता हूं। जो कुमार आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ना सर, ना सर। ये आगे जा रहा है बी कॉलम में, अगर बी कॉलम कुछ टाइप कर दूं तो हिडन हो जाएगा। हां सर, कंसील हो जा रहा है। इस केस में इसको हम रैप कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा सर, लैब कर दिया तो आप लिखते समय रैप करना चाहते हैं तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर प्रेस किया, नीचे की तरफ आप देखिए, लेकिन मुझे रैप करने से खून बढ़ जाता है तो मैं रैप नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा मेरा कॉलम की साइज है मेरा टेक्स्ट उतने ही फिट हो जाए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अलाइनमेंट में ही हमारे पास श्रिंक टू फिट होता है तो श्रिंक टू फिट कर दूंगा तो टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। और कॉलम की साइज जैसे मैं बड़ा करूंगा ये अपने आप को बड़ा कर लेगा। छोटा करूंगा तो छोटा कर लेगा और बड़ा करूंगा तो बड़ा कर लेगा। ये आपका श्रिंक टू फिट होता है। अब मर्ज है, जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ा वर्ड लिखना है तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो एक बहुत बड़ा सेल मिल जाएगा मुझे। एक तो कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं, इसको उठा के आप बड़ा कर लीजिए, लेकिन क्या होता है पूरा कॉलम बड़ा हो जाता है, नीचे भी आपका ये बड़ा है तो हम इसको बड़ा ना करके हम क्या करते हैं इसको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर, समझ में आ गया आपको मर्ज? हाँ सर। सर एक चीज पूछनी थी, कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है कैसे हो जा रहा है ग्रीन कलर का? कौन सा ग्रीन कलर का? ये जो, हाँ जो आप अप डाउन कर रहे हो, हाँ ये वाला। ये तो कर्सर है आपका, ये तो अपने आप आता है कर्सर है। कहीं कहीं कल मैं कर रहा था तो कहीं पे ब्लैक हो रहा है कहीं पे ग्रीन हो जा रहा है आउटर वाला जो सी है। नहीं नहीं एक ही कलर रहता है। जैसे कि लिंक वगैरह कर देते ना, जैसे यहाँ पे हमने लिंक कर दिया इसमें, देखिए लिंक हो गया दिख रहा है ना आपको। हाँ ये ठीक सर, रेड हो गया सर, ये रेफरेंस होता है, वो तो ये रेफरेंस ही बताता है। ठीक 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 है, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सर। तो मर्ज के बाद आगे अब यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेटिंग है तो जनरल जैसा टाइप है वैसा नंबर में, मान लीजिए मुझे डेसिमल प्लेस चाहिए या थाउजेंड सेपरेटेड चाहिए, नेगेटिव रेट होना चाहिए तो हम ए इसको यहां से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे करेंसीज हैं, अपनी करेंसी का सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अकाउंटिंग में भी करेंसी का सिंबल सिर्फ ले सकते हो, या फिर हमारे पास एक तरीका और है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिखता हूं,
कुछ नंबर्स को यहां लिखता हूं और मैं यहां पे जीरो कर देता हूं, यहां पे जीरो। जीरो में कुछ और दिखाना चाहता हूं, उस केस में हमने इसको सिलेक्ट किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे चले गए और यहां पे हम फॉन्ट में बॉर्डर में सॉरी बॉर्डर नहीं है नंबर में अकाउंटिंग में हम यहां पे नन कर देते हैं, तो जीरो जो है वो डैश दिख जाए। ठीक है सर, तो इसमें डेट है आपका डेट की फॉर्मेट कर ले, टाइम है टाइम का फॉर्मेट कर ले, परसेंटेज परसेंटेज आता है, ये चीज है। इसमें आपका कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आपको आज शाम में पढ़ाएंगे 8 बजे। ठीक है सर, शाम में ज्वाइन कीजिए, हम शाम में आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो शाम में मिलते हैं। ओके।